वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और ये है ध्रुव। आज है संडे, सुबह से ध्रुव के साथ मस्ती हो रहा है। वो मोबाइल देख के ही अपने आप में खुश हो जा रहा है। क्या करते क्या करते बाबू क्या और हम लोग सुबह से नाश्ता कर चुके हैं, नहा चुके हैं, ध्रुव भी नहा चुका है, तैयार हो चुका है नाश्ता करके, ऑल सेट। कैमरा के सामने खुद ही आके पोज देने लग गया है। अब इसको समझ में आ गया है कि वीडियो बन रहा है और वीडियो में कैसा पोज देना चाहिए। रॉकस्टार बनेगा ये। ध्रुव अपने आप को देख के खुश हो रहा है वीडियो में, डिच्चू 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 कर रहा है। ए भाई मिक्सी थोड़ा बंद करो भाई। मैं कल रात को मेहंदी मिलाना भूल गई थी, जो सुबह मैं मिलाई हूँ, एंड बस अभी तक ये पूरी तरह से तैयार शायद हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेहंदी कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास ना कुछ सूखे आंवले पड़े हुए हैं, ये जो कच्चा आंवला आया था एंड कच्चा आंवला मैंने सुखा लिया है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। और ये सुखाने के बाद ये तो मैं क्या कर रही थी, ये सूखा आंवला और ग्रीन टी और मेथी, ये तीनों को मैं उबाल ली। एक ग्लास आप पानी लेंगे, उसको उबाल देंगे। जब तक वो आधा हो जाएगा तब तक उसको उबालना है, और जब ये आधा हो जाएगा उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं, आंवला भी उबल गया, मेथी भी उबल गया, वो सबको भी पीस लो, एंड उसके बाद मेहंदी में उसमें ऐड कर दी। तो मेरा मेहंदी इसी तरीके से झटपट तरीके से तैयार हो जाता है, ज़्यादा इसमें तामझाम करना नहीं पड़ता है, और इसी तरीके से मैं इसको यूज़ भी कर लेती हूँ, एंड शायद ये अच्छा रिजल्ट दे भी देता है। हाँ ले ले, तू वीडियो बना ले। गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। बाबू ब्लॉगर बन गया है। अब मेरी मेहंदी लग चुकी है बालों में। अब जब तक ये मेहंदी सूखेगी और ये धुलने के लिए तैयार होगी, तब तक मैं सोच रही हूँ कल वाला वीडियो भी अपलोड कर लूँ यूट्यूब पे। सो अभी मैं अपलोड पे लगा दूँगी एंड ये धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी, तब तक शायद मेरी मेहंदी भी सूख जाएगी। ऐ गंदी बात। ये दीदी बना रही है तहरी, बढ़िया सा खुशबू आ रहा है, पता नहीं क्या तहरी बना रही है, बाद में इसका रेसिपी मैं उससे पूछ लूँगी, पर अच्छा खुशबू आ रहा है। क्या कर रहा है तुम, तेरा बेड का है? देखिए माँ कैसे सो रहा है, देखिए। ए पगलू ऊपर चलेगी पगलू। एंड ये देखिए, अब मैं अपना बाल धो चुकी हूँ एंड ये ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन पे आ चुका है, बस थोड़ा सा और सूखना बाकी है, और मैं बस इसे पानी से ही वॉश करी हूँ, इसके लिए कोई शैम्पू वैम्पू यूज़ नहीं करी हूँ। आई मीन आप लोग जिस दिन मेहंदी लगाते हैं ना, उसी दिन शैम्पू यूज़ ना करें, उसके बाद वाले दिन यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि अब्सॉर्ब होने दें, मेहंदी जो कंडीशनिंग करती है ना आपके बालों पर, तो वो एक दिन उसको बाल पे छोड़ दीजिए, बस पानी से ही पहले दिन धो के रख दीजिए। एंड ये आज ऐसे ही रहेगा, आज इसमें कोई शैम्पू नहीं यूज होगा, बस वो जो मोटे दांत वाली जो कंघी रहती है बस उसी से मैं एक रफली कॉम कर लूँगी बाल को, एंड कल सुबह मैं इसको शैम्पू वॉश करूँगी, एंड मैं कल सुबह आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट बताऊँगी कि क्या रिजल्ट आता है, कितनी शाइनेस में बढ़ती है बालों में। एंड अब लंच टाइम हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ दीदी का बनाया हुआ तहरी खाने के लिए। कल जो है ये आपने देखा, ये पुदीना पूरा सूख गया था, फिर अभी भी सूखा हुआ है, देखिए डंडी सब सूखी पड़ी है, एकदम से टूट रही है ऐसे, पर फिर भी स्टिल मुझे लगता है कि शायद जान आ जाए इसमें, मतलब थोड़ी बहुत तो चांसेस है। देखिए जैसे ये वाली इतना ताज़ा है तो थोड़ी बहुत चांसेस है। खैर इसको अभी मैं छाई में ले आई हूँ, अभी बस थोड़ा सा पानी इस पर डाल दूँगी। ठीक है पानी दे देंगे थोड़ा पेड़ पौधा में, पानी देने से पहले थोड़ा कपड़ा धो लूँगी, कपड़ा का जो पानी निकलेगा वो सब मैं पेड़ में डाल। ये देखिए इस कपड़े में इस तरीके का कलर छूट रहा है, कलर उतर रहा है कपड़े का, और ये सारा कपड़ा एक साथ में डाल दी है। हे भगवान, अब क्या इसका कलर सब इसमें चढ़ गया है। जाओ जी, मेरा ऑफिस का कुर्ता जो मैं प्रेस करने लाई थी, बस इस पे कलर ना चढ़ गया हो। खैर मैं पहले इसे साफ कर देती हूँ। ये मैंने कपड़े अपने धो लिए हैं और ये कपड़े धुले हुए पानी हैं। दोस्तों गर्मी का दिन आ चुका है और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पानी बिल्कुल भी ना वेस्ट करें, जितना हो सके पानी बचाने की कोशिश करें, एंड पानी अगर आपसे रीयूज हो सके तो प्लीज़ इसे रीयूज कर लें किसी भी तरीके से हो। मतलब जैसे इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रोसेस दिखाया आपको, रीयूज का, कपड़े धो दिए
और धुले हुए पानी पेड़ पौधों में डाल दें, सिवाय तुलसी के पेड़ के बिल्कुल ना डालें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे घर पे बहुत सारे तुलसी के पौधे भी हैं। अब मैं ये पानी जो है ये तुलसी के पौधे पे नहीं डालूंगी, तुलसी के पौधे पे मैं अलग पानी फ्रेश पानी डालूंगी। ना इससे पहले ना इस पेड़ में ऑलरेडी 20-25 टमाटर आ चुके थे इससे पहले भी, एंड जो कि हम लोग ऑलरेडी खा के ख़त्म कर चुके हैं। लो जी, अब मेरे कपड़े धुल के सूख गए हैं। अब इनको ना जब तक धूप है तब तक यहाँ पे पानी झड़ने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जब इसमें पानी झड़ जाएगा इनको लेके मैं सीढ़ी में डाल दूंगी और ये रात भर में सूख जाएंगे, कल सुबह प्रेस करके ले जाऊंगी। लेकिन ना एक बात बताऊँ, ये अच्छा कलर था बाय द वे, कुर्ती ना दूसरी वाली ख़राब नहीं हुई। मुझे लगा था ना इस पे और वो पिंक वाली पे ये कलर चढ़ जाएगी तो पता नहीं कैसे भद्दी भद्दी सी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कलर सही है, उतर गया दूसरे कपड़ों से। अभी हम लोग चाय पियेंगे, मुन्नू चाय बना के ला चुकी है, मम्मी नानी जी के साथ फ़ोन पे लगी हुई है, बाबू भी चाय पिएगा, बिस्किट खा रहा है, ले नहीं खाएगा, उसको पसंद नहीं आया, ये बिस्किट अच्छा नहीं है, ये तो चाय पे झपट्टा मारेगा सीधा। टाटा नहीं टमाटर, टमाटर। अभी हम लोग बना रहे हैं थेपला, एंड थेपला के लिए हम लोग आटा छान लिए हैं, आटा के साथ बेसन छान लिए हैं, उसके बाद उसमें दही, कसूरी मेथी, धनिया पत्ता, नमक, अजवाइन, सौंफ और थोड़ा सा मिर्ची, ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से रोटी के जैसे गूंदना है और बस परोठा जैसा सेकना है। तो आप देखिए कैसे बन रहा है थेपला। ये हम लोग का थेपला का आटा तैयार है और मुन्नू तो इवन रोटी बेलना शुरू भी कर दी थेपला का। देखिए थेपला बनाना ना बहुत आसान है, और थेपला ओसनते टाइम हम लोग ने दही का इस्तेमाल किया दूध के बजाय, लोग दूध से भी ओसनते हैं पर अगर दही का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। और इसे मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ अपने रूम पे, और लगभग 3-4 दिन 5 दिन इसे रख के धीरे धीरे खाने वाली हूँ, इसीलिए दही का इस्तेमाल किया गया ताकि ये लंबा समय तक टिक जाए। और बस इसी तरीके से सिंपल इसको बेल लेना है। हम लोग का तवा गरम और ये थेपला डल गया तवे पे, बस इसे सेकना है रोटी की तरह, और इसे ज़्यादा आकरा करके ना सेके, ज़्यादा आकरा करके सेकने से थोड़ा क्रिस्पी रहेगा, ये गरम गरम खाने में मज़ा आएगा पर ये ज़्यादा देरी तक टिकेगा नहीं। तो हम लोगों को जैसा पसंद है कि ज़्यादा आकरा नहीं करके हल्का हल्का जैसे नॉर्मल पराठा सेका जाता है वैसे ही सेका जाए। बस इस पर थोड़ा सा आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है आप क्या लगा के सेकना चाहते हैं। ये बाबू चीनी बोरा बन के आया है, ज़्यादा रसोई में दे दो चीनी बोरा, रसोई में दे दो चाय में डाल देंगे। वन साइड सेक गया है, अभी इसको पलटा के बस दूसरा साइड सेक लेना है, और ये थेपला तैयार है। बस इसी तरीके से इन सारे थेपलों को सेक लेना है। ये डल गया दूसरा थेपला, अभी इसको भी उसी तरीके से सेक लेंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो और थेपले की रेसिपी आपको समझ में आई हो, साथ में मेहंदी जो हेयर केयर रूटीन है वो भी आपको समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अभी मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो फिर से एडिट करना। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।